न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी बार अपने देश का प्रतिनिधित्व करने मैदान पर उतरे। नीदरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान वह इमोशनल हो गए और अपने आंसू नहीं रोक सके। 38 वर्षीय टेलर न्यूजीलैंड के सफल क्रिकेटर्स में शुमार हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं। हैमिल्टन के सैडन पार्क में मुकाबले से पहले राष्ट्रगान के लिए टेलर अपने तीन बच्चों मैकेंजी, जोटी और एडिलेड के साथ आए। तीनों बच्चों ने न्यूजीलैंड की जर्सी पहनी हुई थी जिसके पीछे उनके पिता का नाम लिखा हुआ था। राष्ट्रगान शुरू होने के बाद टेलर इमोशनल हो गए और उनके आंसू निकलने लगे। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ियों ने टेलर को सांत्वना दी। टेलर की पत्नी विक्टोरिया और उनके बाकी परिवार भी स्टेडियम में मौजूद था। बता दें कि रॉस टेलर ने 2006 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और यह उनका 450वां इंटरनेशनल मुकाबला था। उन्होंने पहले ही अपने संन्यास का ऐलान कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अखाड़ा अपडेट्स।